नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक यूफोरिया का मोबाइल है, यूफोरिया 5014, और इसमें हमारी चार्जिंग की प्रॉब्लम है। चार्जिंग जैक हमारा बिल्कुल से काम नहीं कर रहा है, चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है, यानी कि चार्जिंग शो करता है लेकिन बैटरी को स्टोर नहीं करता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने यूफोरिया 5014 मोबाइल को किस प्रकार से चार्जिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, इसको हमें ओपन कर लेना है। ये हमने बैक पैनल ओपन कर लिया और ये देखिए हमारी यूफोरिया की बैटरी है, और ये बैटरी हमारी ओरिजिनल बैटरी है, और यहाँ पर हमारा मॉडल नंबर मेंशन है यूफोरिया 5014 5014। और हमारी चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो हमें ये बॉटम सेक्शन का ही ओपन करना है, पूरा मोबाइल ओपन नहीं करने की आवश्यकता है। तो हम बॉटम सेक्शन के हमारी ये स्क्रू ओपन करेंगे, ये हमने ओपन कर लिया और इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमने ओपन कर लिया, इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये जो हमारी स्ट्रिप है, ये एंटीना वायर हमें निकाल लेना है। और ये बैक साइड में हमारी ये स्ट्रिप है, ये देखिए हमारा जैक कितना डैमेज हो रहा है, इसको ओपन कर लिया हमने। और ये देखिए हमने इसकी स्ट्रिप को निकाल ली, इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये हम इसका चार्जिंग स्ट्रिप को चेंज कर दें, ये देखिए। और इसमें ऑलरेडी पहले जम्पर लगाए हैं, जम्पर हम आपको बता देते हैं, ये हमारा नेगेटिव जम्पर है और ये हमारा पॉजिटिव जम्पर है। ये देखिए हमारा पॉजिटिव जम्पर है, और ये दो जम्पर हमें यहाँ पर लगाने हैं, और ये नया जैक हमें यहाँ पर लगाना है। तो हम इसको रिमूव करते हैं, सबसे पहले इस जैक को हमें हटाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर SMD का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम वैसे भी इसको निकाल सकते हैं। तो हम इसको निकालते हैं, ये देखिए हमने इसको सिक्योर कर लिया ताकि हमारा कोई भी नुकसान ना हो। और या फिर हम इसको इस प्रकार से घुमा देते हैं, और यहाँ पर हम SMD की सहायता से इसको निकालते हैं। इसके लिए हम इसको स्ट्रिप को पहले रिंगर स्ट्रिप को हम पहले निकाल लेते हैं, ये देखिए हमने निकाल दिया। और यहाँ पर हमें इनको सिक्योर करते हुए हमें यहाँ पर इसको निकालना है। तो ये देखिए हमने सिक्योर कर लिया, और सिक्योर करने के बाद में हम ये देखिए और SMD की सहायता से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए हमने डिफेक्टिव जैक निकाल दिया है, और हम आपको दिखा देते हैं, ये गर्म है, हम साइड में रख देते हैं। और ये देखिए हमारा ये डिफेक्टिव जैक हमने निकाल दिया, तो पिन को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, इसके प्रिंट हमारे डैमेज हैं। देखिए हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें ये नया जैक लगाएंगे। ये हमने जैक ले लिया और हमने इसके ये प्रिंट्स को साफ कर लिया है, आप देख पा रहे हैं हमने इसके प्रिंट्स को साफ कर लिया। तो दोस्तों ये देखिए हमारे कोई भी प्रिंट्स इसमें हमारा नहीं है जहां पर हम इसको सोल्ड कर सकें, तो हम इसमें जम्पर की मदद लेंगे। तो जम्पर के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो पोर्शन है ये हमारा नेगेटिव पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है हमारा पॉजिटिव पोर्शन है। तो यहाँ से हमको एक जम्पर उठाकर इस पॉइंट्स के ऊपर लगा देना। ये देखिए मैंने यहाँ पर, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये पोर्शन हमारा प्लस का पोर्शन है, ये हमारा माइनस का पोर्शन है। तो इसको आप कहीं पर भी ग्राउंड कर सकते हो, और प्लस वाले पोर्शन को आपको यहाँ पर स्क्रैच करके मैंने यहाँ पर ये
हमें जम्पर मार देना है। तो देखिए हम इसके लगाते हैं और ये हम बिल्कुल शोल्डर की मदद से हम इसके अंदर लगाते हैं और आप देख पा रहे हैं कि हमने ये इसके अंदर लगा दिया। थोड़ा सा हम इसको पेस्ट लगाते हैं ताकि हम इसको सोल्ड कर सकें और हमने पेस्ट लगाया आयरन की मदद से हम इसको फिक्स करेंगे। दोस्तों आप चाहें तो SMD की सहायता से भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इसको लगाते हैं, जैसे चाहें आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए हम इसको सोल्ड करते हैं। ये हमें चारों ओर से सोल्ड कर देना है, चारों के चारों लेग्स इसकी सोल्ड कर देनी है हमें, ताकि हमारा ये जो पॉइंट है हिले नहीं। और इसी प्रकार से हमें ये बैक साइड से भी सोल्ड कर देना है ताकि हमारे जैक की जो मजबूती है वो बनी रहे और ड्यूरेबिलिटी हमारे जैक की बनी रहे और लंबे समय तक हमारा जैक यूज करते रहे। ये देखिए इस प्रकार से ये सारे के सारे प्रिंट्स डैमेज हैं, तो मैं थोड़ा सा इसके साथ ही इसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके ताकर लगाकर। ये देखिए इसके साथ ही मैं इसकी लेग को मजबूत करने के लिए इसके यहीं पे सपोर्ट लगा रहा हूँ और इसी प्रकार से ये बैक साइड में मुझे सपोर्ट लगाना है ताकि मेरे जो जैक है वो मजबूत रहे और डैमेज नहीं रहे। तो ये इसके यहीं से मुझे एक इस प्रकार से एक मजबूती के लिए मैंने ये इसको बना दिया है। आप देख पा रहे हैं ये मजबूती के लिए मैंने बना दिया है और ये भी मैं इसको मजबूत बना देता हूँ इसके लिए। और ये आप देख पा रहे हैं जहाँ पर हमें कहीं पर सोल्ड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो हम इस प्रकार से इसको हमारा काम निकाल सकते हैं ताकि इसकी मजबूती बनी रहे और ड्यूरेबिलिटी हमारी लंबे समय तक बनी रहे और हमारा जैक भी डैमेज ना हो। ये देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ज़्यादा लंबे समय तक हम इसको चला सकें। ये तो थी बात हमारी मजबूती की दोस्तों, ये तो थी बात हमारी मजबूती की। अब बात है हम जम्पर इसका कहाँ पर लगाएं। ये तो बात थी हमारी मजबूती की और ये हमने इसको मजबूत कर लिया। अब जम्पर के लिए मैंने आपको बताया हमारा ये पोर्शन हमारा नेगेटिव, देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये इस साइड वाला हमारा नेगेटिव पोर्शन है और इस साइड वाला हमारा पॉजिटिव पोर्शन है। नेगेटिव पॉइंट्स को आप यहाँ पर भी इसको जम्पर लगा सकते हो और पॉजिटिव पॉइंट को आप यहाँ से जम्पर लगाकर यहाँ पर आपको एक लगा देना है जिससे आपका चार्जिंग होता रहे। तो ये देखिए हम पहले नेगेटिव पोर्शन को हम करते हैं, तो नेगेटिव पोर्शन को हम यहाँ से निकाल कर और इसकी लेग के ही हम सोल्ड कर देते हैं। ये देखिए हमने ऊपर की ओर इसको फोल्ड कर दिया और हम इसको यहीं पे सोल्ड कर देते हैं इसके टॉप में और ये थोड़ा सा हम यहाँ पर पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा सारे के सारे प्रिंट्स हमारे डैमेज हैं और जिसके कारण हमें ये समस्या उत्पन्न हो रही है। और प्रिंट्स अगर हमारे डैमेज नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको टॉप में सोल्ड कर दिया और प्लस वाला हमें जम्पर लगा देना है। तो एक जम्पर वायर लेंगे हम, ये जम्पर वायर हमने ले लिया और ये जम्पर वायर हम इसको सोल्ड करेंगे प्लस वाली लेग के। ये देखिए हमने ले लिया और ये हमें प्लस वाले एक सोल्ड कर देना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जम्पर पकड़ कर सके। ये देखिए हमें प्लस वाले पे थोड़ा सा पहले सोल्ड कर लेना है
और सोल्ड करने के बाद में जो जम्पर वायर है ये हमें इसमें लगा देना है। ये देखिए हमने ये जम्पर वायर लगा दिया है, आप देख पा रहे हैं कि हमने इसमें ये जम्पर वायर लगा दिया है। और ये इस जम्पर का हम दूसरा सीटर लगा देते हैं हमारे यहाँ पर, जिससे हमारा ये सोल्ड हो सके और हमारी चार्जिंग हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सके। ये जम्पर का दूसरा सिरा हम यहाँ पर लगा देते हैं और हम इसको आपको चेक करा के बताते हैं क्या हमारा ये ट्रिक सक्सेसफुली हुआ या फिर हमारा काम नहीं किया। ये देखिए हमने ये यहाँ पर जम्पर वायर लगा दिया है और इसको हम कट कर लेते हैं ब्लेड की सहायता से। ये मैंने इसको कट कर दिया और मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों हमारा ये इस प्रकार से मैं पकड़ता हूँ, ये हमारी स्ट्रिप है। तो ये जो स्ट्रिप की इस साइड से हमारा ये माइनस है और इस साइड से हमारा पॉजिटिव है प्लस का। तो ये पॉजिटिव वाला हमें यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा स्क्रैच करके लगा देना है। और अब हम इसमें चेक करते हैं, हमारा डिफेक्टिव जैक है, हम चेक करके देखते हैं इसमें। ये डिवाइस हम ले लेते हैं और ये डिवाइस के अंदर हम लगाते हैं। ये थोड़ा सा हम इसके अंदर डिवाइस को, ये स्ट्रिप को लगाते हैं। स्ट्रिप लगाने के बाद में अच्छे से हमें इसको लॉक कर देना है। ये देखिए हमने इसको अच्छे से लॉक कर दिया। अच्छे से लॉक कर देना हमें। लॉक करने के बाद में हमें एंटीना वायर लगा देना है, इसको अपनी जगह पे फिक्स कर देना है। एंटीना वायर हमें लगा देना है। एंटीना वायर लगाने के बाद में हम इसमें हमारा ये रिंगर का असेंबली लगा देते हैं। और इसको प्रॉपर वे में सेट कर देना रिंगर असेंबली को। और इसमें हम थोड़ा सा स्क्रू लगा देते हैं ताकि हमारा दिक्कत ना करे। ये देखिए दोस्तों हमने ये इसमें लगा दिया। हम इसमें ये बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। ये देखिए ये बैटरी हम लगाते हैं, ये हम इसके अंदर चार्जर लगाते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये हमारा चार्ज होने लगा है। ये देखिए, देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने हमारे यूफोरिया 5014 मोबाइल का चार्जिंग प्रॉब्लम को दूर किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।